वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप, आपके साथ मैं हूं काजोल। शहनाज गिल बिग बॉस 13 से ही लगातार दिलों पर और सुर्खियों में छाई हुई हैं। तब से एक्ट्रेस हर किसी की पसंदीदा बन गई हैं और सफलता की होड़ में हैं। पंजाबी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड और टेलीविजन शोज तक वो सब पर राज कर रही हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि पंजाबी दिल की धड़कन जल्द ही सलमान खान की कभी कभी दिवाली के साथ बॉलीवुड में अपनी डेब्यू करने वाली है, जिसमें पूजा हेगड़े और जस्सी गिल भी शामिल है। इन सब के बीच खबरों की माने तो शहनाज ने एक और बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है। जी हाँ, उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। आई एम वॉचिंग यू, आई लव यू ऑल। शहनाज बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उनके हाथ नई फिल्म लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज ने रिया कपूर की अगली फिल्म साइन की है, जिसे उनके पति करण बुलानी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर भी होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये कहानी रिश्तों के मॉडर्न अंदाज को दिखाएगी। कुछ खबरों की माने तो प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि रिया की पिछले फिल्म वीरे दी वेडिंग की तरह ही उनकी अगली फिल्म भी महिला प्रधान होंगी, यानी कि महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस्ड होंगी। शहनाज हाल ही में फिल्म से जुड़ी है। फिल्म की शूटिंग इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। फिल्म में शहनाज अलग अवतार में नजर आएंगी। रिया की पिछली फिल्म वीरे दी वेडिंग 2018 की तरह उनकी आने वाली फिल्म भी एक महिला प्रधान विषय है। शहनाज फिल्म के कलाकारों में शामिल होने वाली नवीनतम है, जो इस महीने के अंत तक फ्लोर पर जाने वाली है। इस फिल्म में शहनाज एक अलग अवतार में नजर आएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही शहनाज गिल को भी मुंबई में पपराजी द्वारा देखा गया, जब उन्होंने अपने गुलाबी पोशाक में पोज दिया और साझा किया था कि संजय दत्त के साथ अमेरिका जा रही हूँ संजू बाबा के साथ अमेरिका जा रही हूँ, ऐसा कहते वो बार बार नजर आ रही थी। उन्हें कहते हुए सुना गया कि इसने नेटिजंस को भी आश्चर्यचकित कर दिया था कि क्या शहनाज जल्द ही KGF चैप्टर 2 अभिनेता के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। शहनाज के फर्स्ट ब्रेक की बात करें तो उन्हें हौसला रख से मिला था, जिसमें वो दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थी। फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। सलमान की कभी ईद कभी दिवाली की बात करें तो वो वेंकटेश, पूजा हेगड़े, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी। कभी ईद कभी दिवाली का निर्देशन फरहाद सामजी कर रहे हैं। तो शहनाज गिल अब सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी है। उनका क्यूट अंदाज हर किसी को पसंद आता है। उनकी हर वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है। तो ऐसे ही तमाम चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।